नमस्ते बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद शाहबुद्दीन है, मरकुत मंडल सिद्धिपेट जिला। तो ठीक है, आज हम वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में से स्वलेखन के प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वलेखन के प्रश्न कहाँ पूछा जाता है? पहले अर्थग्राहिता प्रतिक्रिया के जो 20 प्रश्न इकाई और इसके नीचे जो 5-5 प्रश्न होते हैं, उसके बाद में जो अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के अंतर्गत स्वलेखन के प्रश्न 4 पूछे जाते हैं। स्वलेखन के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल हमारे सोच के अनुसार, अनुभव के अनुसार, पाठ का जो सारांश से समझ कर लिखने के प्रश्न है। बिल्कुल 4 पंक्तियों में लिखना है, पॉइंटों में नहीं लिखना है, इसे 4 अंक मिलेंगे। 4 प्रश्न के 16 अंक मिलेंगे। तो इसे लिखने का तरीका और इसकी पद्धति के बारे में और भी हम विस्तार रूप से देखेंगे। तो आज हम स्वलेखन के प्रश्न 21वां, 22 और 23 और 24 प्रश्नों के नंबरों के जगह ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 21, 22, 23 और 24 प्रश्न नंबर के पास ये प्रश्न स्वलेखन के पूछे जाते हैं। स्वलेखन के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ हम उदाहरण के लिए देखेंगे। तो यहाँ आज 3 पाठों के प्रश्न के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला पाठ हुआ बरस के बाद, दूसरा ईदगाह और माँ मुझे आने दे। इन पाठों से स्वलेखन के प्रश्न अगर पूछेंगे तो देखिए बच्चों, इस प्रकार वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है। कैसे जीवन का आधार है वह साफ लाइन है, तो इसके बारे में हम सोचकर जो पाठ के अंशों को याद करते हुए अपने विचार लिखना चाहिए। 4 पंक्तियों में लिखना चाहिए, पॉइंट्स नहीं देना चाहिए। उसी तरह इसी पाठ से एक और प्रश्न इस तरह पूछा जाता है, बरसते बादल कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण है। बरसते बादल कविता में प्रकृति का वर्षा के कारण सुंदर है, सुंदर होता है, यहाँ इसका सुंदर चित्रीकरण हुआ है। तो वे होगा अपने शब्दों में लिखना चाहिए, अपने शब्दों में लिखिए। इन प्रश्नों में अधिकतर यह दिखाई देता है, इस प्रकार अपने शब्दों में लिखिए या अपने विचार लिखिए। और दूसरे पाठ से देखेंगे तो हामिद के स्थान पर तुम होते तो क्या करते। पाठ में हामिद क्या खरीदा, हाँ चिमटा खरीदा। तो हामिद के स्थान पर अगर तुम होते तो क्या खरीदते। हम मेले में जाने के बाद बहुत कुछ सामान सामग्री होता है, खाने के लिए और खेलने के लिए और भी घर में जो उपयोगी सामान होते हैं, तरह तरह के सामान होते हैं मेले में। तो हामिद की जगह अगर तुम होते तो क्या खरीदते, वो अपने अनुभव के साथ सोचकर लिखना चाहिए। जो अपने विचार लिखना चाहिए वैसा उस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह तीसरा पाठ, माँ मुझे आने दे। इस पाठ से अगर प्रश्न पूछेंगे तो इस प्रकार पूछेंगे कि माँ मुझे आने दे कविता समाज की किस स्थिति के बारे में बताई है। इस कविता में कौन से विषय को लेकर पढ़ाया गया है, कौन सी समस्या के बारे में बताया गया है, उस समस्या को आधार बनाकर इस प्रश्न का उत्तर 4 पंक्तियों में लिखना चाहिए। और इसके बाद इसी पाठ से एक और प्रश्न इस तरह पूछा जाता है, भ्रूण हत्या एक सामाजिक और मानवीय अपराध है। अपने विचार लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए या कैसे,
इस तरह के प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों से यहाँ स्वलेखन में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल कहाँ, कौन से उत्तर पुस्तिका में और गैड में ऐसा रटकर या छात्र बाजू वालों के छात्र के उसमें देखकर लिखने के प्रश्न बिल्कुल नहीं होते हैं। ये हम अपने सोच विचार से लिखने के प्रश्न है। तो इसके लिए हम एक प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, उदाहरण ये 4 अंक के प्रश्न हैं, तो इसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न बरसते बादल, एक उदाहरण के लिए बरसते बादल कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण है, अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए, अपने विचार लिखिए, इस तरह पूछा जाता है। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार लिखना चाहिए कि एक इकाई के रूप में लिखना है, पैराग्राफ, पॉइंट्स में नहीं लिखना है, और इसे लिखते समय त्रुटियां शब्द शुद्ध रूप होनी चाहिए, वाक्य संरचना सही होनी चाहिए और भाव रूप भाव स्पष्ट रूप से देना चाहिए। ऐसे 4 पंक्तियों में लिखेंगे तो 4 के 4 अंक आपको मिलेंगे। तो इस तरह हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। बरसते बादल कविता के कवि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सावन मास में बादल जम जम बरसते हैं, वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली छा जाती है, धरती पर वर्षा की धाराएं बहती है, पशु पक्षी और मानव के हृदय में आनंद से प्रफुल्लित होता है। इस तरह इसमें शब्द शुद्ध है और वाक्य संरचना सही है, 4 वाक्य है, भाव भी स्पष्ट है। उदाहरण बरसते बादल, यहाँ देखिए बरसते बादल कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी है, स्पष्ट है, इस वाक्य में कोई शंका की बात नहीं है। सावन मास में बादल जम जम बरसते हैं, वाक्य संरचना भाव देखिए समझिए, और वर्षा के कारण धरती पर चारों ओर हरियाली छा जाती है, फिर उसके बाद वर्षा के कारण वर्षा के जो धाराएं होती हैं वो नदियों के रूप में बहती हैं, वे अपने विचार से लिखना चाहिए इस विषय को, और पशु पक्षी और मानव के हृदयों में आनंद से प्रफुल्लित होता है। इस तरह अगर हम त्रुटियां नहीं करके त्रुटियों व शब्दों पर वाक्यों पर ध्यान देते हुए 4 पंक्तियों में अगर इसके उत्तर लिखते जाएंगे तो हम 4 अंक सही रूप से हमें मिलेंगे। ठीक है बच्चे, इन सारे विषयों पर ध्यान देकर आप सही लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।